एके मिश्रा जी, स्वतंत्र देव ने कहा कि गढ़ खत्म हो गए, योगी ने कहा कि मैनपुरी में परिवारवाद को हराना है, अखिलेश जी ने कहा कि ये चुनाव मुलायम सिंह नेताजी की स्मृतियों का चुनाव है और नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में यहां लोग वोट दें समाजवादी पार्टी को, एक ओर परिवारवाद को हटाना है, गढ़ को गिराना है, दूसरी ओर अखिलेश यादव मुझे जहां तक समझ में आ रहा है और कोई मुद्दा नहीं रखेंगे, वो केवल चुनाव नेताजी पर फोकस करेंगे। 50 साल का साथ रहा मुलायम सिंह जी का इस जमीन से, कैसे देखते हैं आप? देखिए अमिताभ जी, अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं और कमान अपनी अपने हाथ में संभाली है, यानी नेताजी को मुलायम सिंह यादव जी का पार्टिसिपेशन कम हो गया या नगण्य हो गया। अब अखिलेश यादव ने सारे मुद्दे तो प्रयोग कर लिए हैं और उसका उन्होंने रिजल्ट भी देख लिया, चाहे बाई पोल रहे हो चाहे मेन इलेक्शंस रहे हो। अब सवाल ये है क्या? देखिए, हम विकास करेंगे, सरकार आपकी है नहीं तो आप प्रॉमिस कर नहीं सकते कि हम सड़क बनवाएंगे, और अब तो सफाई में डांस भी नहीं हो सकता, सफाई महोत्सव भी आप नहीं करवा सकते हैं। अब रही बात, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट डेवलप करता है इस तरह का जो मुद्दा है। अगर कोई दिग्गज नेता रहा है, ये घटना इंदिरा गांधी जी के भी टाइम पे आई थी और बहुत जबरदस्त विक्ट्री मिली थी, राजीव गांधी जी को मिली थी, और कोई मुद्दा ही नहीं था उस वक्त, ना महंगाई का था मुद्दा, ना बेरोजगारी का था, और ना विदेश नीति का था। ये देखिए, हमारे समाज में है ऐसा, और ये सबसे बेहतर, जहां पे कि बस केवल एक लाइन बोल देना है और कुछ नहीं करना है, अगर ये लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, अगर चल गया तो भयंकर जीत, और नहीं लगा तो फिर समझ लीजिए कि नैया डूब गई है, जो अंतिम एक दुर्ग बचा हुआ था उस पे उसको भी खाली करके इनको जाना पड़ेगा। रामेश्वर और जोगिंदर के लिए कि जमीन बच जाए, इसके लिए रामगोपाल यादव गए मुख्यमंत्री के पास, 20 मिनट रहे, मुख्यमंत्री ने चाय तो पिलाई, कहा यादव जी बाकी मैं देखूंगा, अच्छा मंगवाऊंगा, हालांकि मुझे ये अंदाजा है कि ये लोग नोटोरियस हैं, उत्पाती लोग हैं दोनों, बोले नाना अपने हैं थोड़ा देख लीजिए क्या। रात में वो कह के आए, बड़ा टीवी पर खबरें चली कि रामगोपाल क्यों मिले, मोदी से क्यों मिले, अरे योगी से, मैंने पता किया तो पता लग गया विषय। अगले दिन सुबह 10 बजे दफ्तर खुले गुले, तो बाकी दिन 10 बजे काम होता, उस दिन 9:30 बजे बुलडोजर मूव ऑन हो गया, क्या जो कुछ बचा था वो भी ध्वस्त हो गया। अब पैर भी करने कौन जाए? अब मैनपुरी भर में एके मिश्रा जी चर्चा ये है एटा मैनपुरी में कि जब पैर भी कराई वो भी रामगोपाल जी से, मुख्यमंत्री से, तो जो निगाह में नहीं था अवैध वो भी निगाह में आ गया, ध्वस्त हो गया। मिश्रा जी, राजनीति आदमी इसलिए करता कि जो चवन्नी बना ली है वो बनी रहे, नहीं कोई देश की आजादी की लड़ाई में तो भाग लेने आया नहीं कोई। देखिए अमिताभ जी, एक सिचुएशन जरूर चेंज हुई है, ठीक है, 100% परफेक्शन कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं है, नहीं आया है, लेकिन इतनी जरूर चेंज हुई है, जो शह मिलता था ना लोगों को, वर्कर्स को, या बस जी आप चुनाव में हमें वोट दे दीजिए, हमारे फेवर में ये कर दीजिए, इसका मतलब आप हर तरीके के अपराध से मुक्त हैं। आपने उदाहरण भी दिया कि किसको कौन मौलाना थे, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई, कहां गिरफ्तार होना था कहां सिक्योरिटी मिल गई। इसमें बहुत जबरदस्त चेंज तो आया है, अगर मैं यूपी को देखूं, नॉलेज में आ गया तो और अवैध है, और उसके ऊपर भी अगर आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं तो भैया फलाने नेता हूं, कभी ऐसी हमारी तूती बोलती थी, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। तो ये जो चेंज है ये जनता के फेवर में है और ये होते रहना चाहिए। मैं तो बोलता हूं समाजवादी पार्टी है वो भी इसी तरीके से बिहेव करे, जो अवैध है वो अवैध है, किसी की फोटो लगा लेने से आपको प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है, पहला हक जनता का होना चाहिए। इसमें बड़ा पॉजिटिव चेंज उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, कितनी ऐसी बिल्डिंग्स ऐसी चीजें गिरा दी गई हैं और बड़े मनोयोग से ये काम हो रहा है, हालांकि ये काम पहले तो राजनीतिक उससे होता था, मायावती जी केवल अपने विरोधियों का करती थी। यही तो डर है, आदमी कह रहा कि मान लो जब रामगोपाल जी के कहने से और कार्रवाई डबल हो गई, मायावती जी सिफारिश करती तो हो सकता ट्रिपल हो जाती, जब सिफारिश भी नहीं चल रही तो कहां जाए आदमी। नहीं, ऐसा ही शासक चाहिए जनता के लिए, मैं अगर जनता के लिए बात करूं लोकतंत्र के लिए, तो शासक ऐसा ही हो, जिन्होंने अपराध किया उनको तो बाद में देखा जाएगा,
उसके फेवर में जो बोलने वाला आता है और पैरवी करने वाला वो ज्यादा खतरनाक होता है। यही लोग शाह देते हैं, मैं आपको बताऊं। जो पैरवी करने जाए पहले उसको अंदर करिए, देखिए सारी चीज अपने आप सुधर जाएगी।